समाजवादी पार्टी में बीजेपी और बीएसपी नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किले में सेंध लगाकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। गोरखपुर से सटे कुशीनगर जिले के बीजेपी के दो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बसपा के भी पूर्व विधायक ने सपा की सदस्यता ले ली है। कुशीनगर जिले के दिग्गज नेता और ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले नंद किशोर मिश्र सेवरही विधानसभा क्षेत्र और शंभू चौधरी नौरंगिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इन दोनों पूर्व विधायकों ने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी की इन दोनों पूर्व विधायकों के अलावा बसपा के पूर्व विधायक ताहिर हुसैन भी सपा में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो गए हैं। नंद किशोर मिश्र पिछले 30 सालों से बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन अब उनका पार्टी से मोह भंग हो चुका है। उनका सपा में जाना 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा के लिए ये अच्छी खबर है। पिछले दिनों बसपा में रहे और 2017 में बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आरके चौधरी ने भी अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपनी पार्टी DS4 का सपा में विलय कर दिया। इसके अलावा बीएसपी का दलित चेहरा माने जाने वाले इंद्रजीत सरोज भी पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर अहम जिम्मेदारी भी सौंपी है। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था काफी खराब है, लोगों को पीट पीट कर मारा जा रहा है, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही और अपराध की बाढ़ सूबे में आई है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। पार्टी हमारे ऊपर जातिवाद का इल्जाम लगाती थी, लेकिन अपने जातिवाद को सोशल इंजीनियरिंग कहती है। हम भी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ेंगे, लोहे को लोहे से काटेंगे।